तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करके अलग अलग पोजीशन में आपको आपका हैंड मूव करना है और उस तरीके से आपको उस मोबाइल के मतलब फ्रंट कैमरा में आपको सिर्फ देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल आपके फेस के सामने रखना है। इसके बाद जैसे ही म्यूज़िक चेंज होगा आपको मोबाइल का जो डायरेक्शन है उसे आपको अलग अलग जगह पर चेंज करना है, और जैसे आप जिस डायरेक्शन में आप मोबाइल को चेंज करोगे उसी डायरेक्शन में आपको आपका फेस लेकर जाना है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग डायरेक्शन में मोबाइल मूव करके वीडियो को सिर्फ रिकॉर्ड करना है, और ये वीडियो आप जैसे जब भी रिकॉर्ड करोगे म्यूज़िक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। तो उसे कैसे करते वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक रील बैकग्राउंड म्यूज़िक का एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपको एक यूज़ ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको एक टाइमर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइमर सेलेक्ट करना है, सेट टाइमर कर देना है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक सर्कल वाला बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 3, 2, 1 का टाइमर शुरू हो जाएगा। इसके बाद म्यूज़िक के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको कैमरा को मूव करना है, उसके तरफ आपको देखना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपके फेस के सामने रहेगा, उसके बाद जैसे ही म्यूज़िक चेंज होगा आपको इस तरीके से सिर्फ इसका जो कैमरा का पोजीशन चेंज करना है और फेस को आपको उस तरफ लेकर जाना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हो राइट कैप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो कैप्शन लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक कवर का ऑप्शन है, वीडियो में से कोई भी पार्ट इस तरीके से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कवर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। लास्ट में आपको नीचे शेयर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो बनाया हुआ वीडियो है ये एज अ रील पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।